दोस्तों नमस्कार, मैं एक स्कूल में बेसिकली हूँ। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक छोटी सी हाट लगी है, सो हम लोग जा रहे हैं एक हाट में विजिट करने। और ये जगह है कामेश्वर विद्यालय, सेटेलाइट में है बेसिकली। सो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं किसान, उनके कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले में हैं यहाँ पर। सो आज हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं फिर। सर आपका नाम? नमस्कार, मारू नाम भरत भाई रणछोड़ भाई डेडानिया से, सुरेंद्र नगर जिलो तालुको धांगध्रा गाजणवा गाम मारू से। ओके। मारो बिजनेस से मधुमाखी उच्चर केंद्र नो। राइट राइट। श्री रामरा सनी करेन मारी ब्रांड से। राइट। हमें जे ये देखिए फोटोग्राफ में सर आप देख सकते हैं, सर खुद ही मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं खुद। बताइए सर, बताइए। तो इसमें ऐसा है कि जो किसान भाई पेस्टिसाइड यूज नहीं करता है उसके फार्म में हमें मधुमक्खी लगाते हैं। ओके। जैसे कि अजवाइन के फार्म है तो अजवाइन का हनी आता है, तिल का फार्म है तो तिल का आता है, सौंफ का फार्म है तो सौंफ का आता है। ऐसा ऐसा अलग हनी पाते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है कि जो किसान पेस्टिसाइड नहीं लगाता उसी फार्म पे लगाते हैं। जो पेस्टिसाइड यूज करता है, मतलब जो आप अपने बॉक्स रखते हैं वो बॉक्स ऐसे खेतों में ही रखते हैं जहाँ पर कि पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। नहीं होता है। ओके ग्रेट। और जहाँ बॉक्स लगाने के बाद किसान को भी फायदा होता है, जहाँ क्योंकि मधुमक्खी का मेन काम है पोलिनेशन का, जो ये फूल के ऊपर बीजे फूल पर जाती है। राइट। इसलिए किसान को उत्पादन में 30-40% का मुनाफा होता है। तो सर इसमें जो मधुमक्खी आप यूज करते हैं वो कुछ विशेष प्रकार की होती है या फिर ये नॉर्मल मधुमक्खी होती है? नहीं, विशेष प्रकार की एपिस मेलिफेरा नाम की मक्खी है। जैसे मक्खी 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन ये मक्खी एपिस मेलिफेरा का नाम की है। Okay. वो लकड़ी के बॉक्स में रहती है। राइट। तो इंडिया में सर, भारत में मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो कितने तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं और सबसे बेस्ट मधु किसका है? भारत में मधुमक्खी 4-5 प्रकार की होती है। जैसे हमारी देसी मधुमक्खी है, फिर वो सरेना होती है, वो बड़े बड़े बिल्डिंग पर रहती है। राइट। पछी एक सतपुड़ी इंडियन मधुमक्खी है। ओके। उसको बोलते हैं सरेना, सतपुड़ी मधुमक्खी बोलते हैं। राइट राइट राइट। और ये एपिस मेलिफेरा है, ये इटालियन की मधुमक्खी है, बहुत सालों से उसका उच्चर भारत में है, तो भारत में है। ओके ओके। सो थोड़ा सा सर अपने प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल में बताइए कि इसमें अलग अलग फ्लेवर किस तरह से आता है। इसमें जनरली हनी में कुछ मिलाया नहीं जाता, लेकिन इसका फ्लेवर किस तरह से आता है उसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों। फ्लेवर में ऐसा है सर के जो सौंफ का फार्म है, सौंफ तो का जो खेत है, खेत है, तो वहाँ हमारा मधुमक्खी का बॉक्स वहाँ लगाया है। ओके। तो सौंफ पे ही मक्खी जाती है, तो वो सौंफ का नहीं आता, तो फ्लेवर उसका सौंफ का। सौंफ का ही फ्लेवर होता है। करेक्ट करेक्ट। जैसे सौंफ को हर साल नहीं रहती है, 2-3 महीने उसका टाइम होता है फ्लावर का। राइट। तो फिर वो अजवाइन पे लगाते हैं तो अजवाइन का नहीं आता है, ऐसे ही तिल पे लगाते तो तिल का नहीं आता है। और हनी को हम कभी, ये लो हनी है, प्रोसेस नहीं कराते हनी को, कभी प्रोसेस नहीं करना चाहिए। प्रोसेस करते हैं तो उसके जो खाने वाला मुख्य तत्व है वो बंद हो जाता है जलकर, ये लो हनी है सर। और हनी के बेनिफिट क्या क्या हैं खाने में, शरीर के लिए हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट है? जैसे अलग अलग हनी का अलग अलग बेनिफिट है। जैसे अजवाइन का हनी आप खाओगे तो सर्दी है, उधरस है, कफ है, इसमें है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है अजवाइन कहानी में। Okay. जो सौंफ कहानी है तो वो गर्मी के मौसम में, जिसको कुछ शरीर में गर्मी है तो सौंफ कहानी खा सकते हैं। जैसे ये तिल कहानी है, शीशम का बोलते हैं, तो उसके कोई वो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वो खा सकते हैं। राइट ठीक है सर। आपने अपना ब्रांड का नाम क्या रखा है? मेरा ब्रांड का नाम है श्री राम रस सनी। ओके, थोड़ा इसको दिखाइए, आप देख सकते हैं सर। राइट। तो ये सर आपने अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स इसमें रखी है, साहब आपके सभी उसमें अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सकता हूँ कि अगर मैं इसका मतलब है, हाँ, इसमें जो आपने फ़ोटोग्राफ रखी है ये कुछ अलग है और इसमें जो फ़ोटोग्राफ रखी है आपने अलग है, सो इसका क्या मतलब है? ये पौधा सॉप का है। अच्छा, ये मतलब ये जो हनी है इसके सॉप का है, सॉप में रखे हैं। ये पौधा है वो अजवाइन का है। ओके ग्रेट। अजवाइन का है पौधा, और ये पौधा तिल का है, तो तिल का है। राइट सर, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि हर एक रोग का अलग अलग तरह का हनी, जैसे अगर आपको सर्दी है तो कौन सा बेटर रहेगा? अजवाइन का सबसे बेटर रहेगा। राइट।
और एक बात, कुछ भी जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो वो हनी का इस्तेमाल कर सकता है? हो सकता है कर सकता, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। नहीं, हनी ये नेचुरल है, डायबिटी हनी खा के कोई बढ़ता नहीं है, क्योंकि नेचुरल शुगर है, इसमें कोई मिला चीनी भी नहीं, कोई मिलावट नहीं है। सही, इसलिए हनी खाने में से डायबिटीज बढ़ती नहीं है किसी की। राइट। सो सर, आपका ये फॉर्म कहाँ पे है, और अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो किस तरह से ऑर्डर करा सकता है? तो मेरा मोबाइल नंबर है 9792883383। इस पे आप कॉल करके ऑर्डर लिखवा सकते हैं। कुरियर सुविधा मेरे पास है, आपके घर पार्सल आ जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा भी है। राइट सर। दूसरा आपका फार्म हाउस सर कहाँ पे? फार्म हाउस मेरा सुरेंद्रनगर जिला धांगरा तालुका गाजड़ावा गांव में है। लेकिन मक्खी एक जगह पे नहीं रहती है, जैसे अलग अलग एरिया में ऐसे अलग अलग फसल होती है ना, इसलिए माइग्रेट करते हैं हम। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश है जिसके माध्यम से हम जो खेडूत हैं दूर दराज के इलाके को, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हर चीज़ में केमिकल आ चुका है हमारे खाने में, हवा में, हर जगह। अगर कुछ भी हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मुझे एक इस जो मैं अभी हनी के बारे में डिस्कस कर रहा था, इसके एक यूज़र मिल गए हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। उनका उन्होंने यूज़ किया है उस प्रोडक्ट के बारे में। सो बताइए मैन, आपका नाम क्या है? मनीषा बेन सोनी। मनीषा जी, अच्छा, तो आपने बताया कि आपने ये हनी यूज़ किया था जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या बेनिफिट था? मेरे को पूरी साल खांसी आती थी, और एक बार रात को लेके मैं सो गई तो खांसी तुरंत मेरे को अच्छी हो गई। अच्छा, आपने इसमें से कौन सा हनी यूज़ किया था? अजवाइन वाला। अजवाइन वाला, ओके ओके। ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है। राइट राइट। तो कैसे, मतलब इमीडिएट फायदा हो गया एक दो दिन में, या आपको कई दिन तक? तीन दिन में फायदा हो गया, तीन दिन में। रात को सोने से पहले ले लिया, बाद में हल्दी के साथ घुमा के चाट के सो गई, तुरंत सो गई, मैं अच्छा हो गई। राइट राइट। और अगर बच्चों को देना है तो? बच्चे को भी अच्छा रहता है। राइट। कब छूटता है, कब निकल जाता है, निकल जाता है सब, क्योंकि कोरोना में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी लोगों को लंग्स में ही। और अच्छा, राइट 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 राइट। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा इंटरव्यू था जो ये प्रोडक्ट है श्री राम रस हनी, जिस जो उन्होंने यूज़ किया है, यूज़र हैं बेसिकली। सो एक अच्छा है, मैंने भी एक टेस्ट के लिए एक सैंपल लिया है। सो नेक्स्ट वीक मैं इसका आपको डिटेल रिव्यू दूंगा कि किस तरह से इसका क्या बेनिफिट रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।